क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया था। नहीं, क्रिकेट से मैं दूर नहीं जा रहा, आई डोंट थिंक करने की कोशिश की जा रही। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम हैदर। मोहम्मद आमिर ने टीम में वापसी की उम्मीदें छोड़ दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी की उम्मीदें छोड़ दी हैं, कम बैक को नहीं देख रहा। वकार यूनिस का रवैया बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुका था। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को भी इज्जत नहीं किया, हमारे लड़कों की हरकतें ख़राब थीं जिनकी सज़ा उनको मिली। एक वीडियो बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि PSL से पहले मुझे ज़ाती तौर पर धचका लगा कि फ़ाइनल से एक दो दिन पहले टीम का ऐलान कर दिया गया। हेड कोच मिसबाह उल हक साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने टीम का ऐलान PSL मुकम्मल होने से पहले क्यों किया। फास्ट बॉलर का कहना था कि मैंने ट्विटर पर मिसबाह साहब इसलिए लिखा था कि वो बड़े लोग हैं जिनके पास पावर होती हैं, वो साहब ही होते हैं। वकार यूनिस का रवैया बहुत बर्दाश्त किया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और बर्दाश्त करने की हद होती है। वकार यूनिस जब सिस्टम में नहीं थे तब की रिटायरमेंट दी थी। और मोहम्मद आमिर का ये भी कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट को बताया था कि वर्कलोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वर्ल्ड कप का मैच भी इंजरी के बावजूद खेला। वकार यूनिस ने सवाल के जवाब में कहा कि आमिर ने वर्कलोड की वजह से क्रिकेट नहीं छोड़ी, तो वकार यूनिस बताएं कि किस वजह से क्रिकेट छोड़ी। मुझे मेरी बॉडी का पता है कि मैं कितना लोड बर्दाश्त कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वकार यूनिस तो टीम को छोड़कर गए और बाद में आए, आपको कैसे पता कि मेरी इंजरी है या नहीं, कैसे कह सकते हैं कि मैं वर्कलोड की वजह से नहीं छोड़ी, तो इसलिए कहा कि आप बताएं कि कैसी छोड़ी मैंने क्रिकेट। बात को जारी रखते हुए फास्ट बॉलर का कहना था कि चीफ सेलेक्टर के लिए बेहतरीन च्वाइस है, पाकिस्तान के लिए इनके 18 से 20 हज़ार रन हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, अगर मेरे पास में हो तो मोहम्मद यूसुफ को फौरी तौर पर चीफ सेलेक्टर बना दूं। मोहम्मद आमिर का कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई तो उसका मुतबादल होना चाहिए था। जब कोई क्रिकेट शुरू करता है तो पाकिस्तान टीम की उम्मीद से नहीं आता बल्कि डिपार्टमेंटल और फर्स्ट क्लास में खेलता है। कुछ लड़कों ने 20-20 साल दिए क्रिकेट को, लेकिन मुश्किल होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आपको कभी ख्याल नहीं आया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को भी इज्जत नहीं किया, हमारे लड़कों की हरकतें ख़राब थीं जिनकी उनको सज़ा मिली। आइए देखते हैं कि मजीद मोहम्मद आमिर ने क्या कहा। क्रिकेट लग रहे हैं, ऑल दो के PSL का फाइनल जो है सुपर ओवर में आपने जितवाया, LPL में भी आपने अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, रिदम में नजर आए, कंट्रोल नजर आया, उसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिकेट से दूर जा रहे हो। नहीं, क्रिकेट से मैं दूर नहीं जा रहा, आई डोंट थिंक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने देखा हो जिस तरह का माहौल बन चुका है और फिर जिस तरह मुझे साइडलाइन किया गया, और मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया था। अगर मैं 35 लड़कों के प्लान में नहीं आता तो इट मीन्स कि मेरे लिए एक वेकअप कॉल है कि मैं अपना फ्यूचर प्लान जो है वो देखूँ कि मैंने कैसे अपनी क्रिकेट को कैरी ऑन करना। तो क्या कैरी ऑन करना, मतलब क्या फ्यूचर प्लान? टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा, जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकई उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ, और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी PCB ने बड़ा इन्वेस्ट किया, PCB ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए PCB के दो बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कुछ साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं, दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडल ली, और शाहिद अफरीदी, ये दो बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना, ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैं मतलब मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला, मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो मैं BPL से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम तो मेरे पास बेस्ट टाइम था, अगर मैं लीगों के लिए मर रहा था मैं कहता जी भाई मैं अब जो है पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, मैं अपना इधर खेल रहा हूँ, मैं मुझे इन्जॉय करने का, मैं तो ये था कि मैंने यार मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ,
मैं दूँ, लेकिन हर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया हमें, कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो जाओ। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं एक दो दिन में अभी मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँ, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूँगा कि इसका एक्चुअल रीज़न और क्या हो सकता है। तो क्या आप एहतजाजन रिटायरमेंट ले रहे हैं फिलहाल? जी मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर इस जो जो मैनेजमेंट है मैं उसके अंडर खेल सकता हूँ। यानी कि एक दो दिन बाद जो फैमिली से आप डिस्कस करके फिर सबके नाम बताएंगे कौन को कि कौन आपके साथ क्या ज्यादती कर रहा है? ज्यादती तो सबको नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो है मीडिया रिलीज़ कर दूँगा। तो बुकारी नज़र मिसबाह उलक देखिए ये मैं स्टेटमेंट में बता दूँगा सबको। थैंक यू। पीसीबी का मोहम्मद आमिर से राब्ता, फास्ट बॉलर ने आलमी क्रिकेट छोड़ने की तस्दीक कर दी।